सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ में ओला S1 एयर, और यहाँ पर ये ओला के टोटल मॉडल्स आते हैं, टोटल स्कूटर्स आते हैं, ये आपको मिडिल में देखने के लिए मिलता है। और इस काम करने वाले हैं डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। काफ़ी सारे न्यू फीचर्स इस स्कूटर के अंदर देखने मिलेंगे। लाइक पहले जो जनरेशन चलती थी ओला की S1 प्रो जनरेशन, उससे अगर मैं रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ ओला ने काफ़ी सारे चेंजेस करके अपने 2-3 टोटल नए मॉडल्स उतारे हैं, जिसके अंदर ये आपको मिडिल में देखने मिलेगा। दूसरा, आपको X Plus भी मिल जाता है और ओला S1 Pro Generation 2 भी देखने के मिल जाता है, और इसके अंदर हम इसके बारे में सारी डिटेल शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं डिज़ाइन और कलर ग्रेडिंग की, तो डिज़ाइन वाइज आपको ये सेम ही देखने के लिए मिलने वाला है। कुछ डिज़ाइन वाइज कुछ खास फर्क नहीं आया है। खास फर्क जो आया है वो यहाँ फ्लोर मैट को लेकर आया है, कि यहाँ पर आपको अब फ्लैट देखने के लिए मिलता है, पहले आपको थोड़ा सा उठा हुआ देखने के लिए मिलता था। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ इसके फ्रंट की लुक की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एक LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप डुअल देखने के लिए मिल जाते हैं, और दोनों ही ये आपको वर्किंग में देखने के लिए मिलते हैं। बाकी फ्रंट का जो लुक है, फ्रंट का डिज़ाइन जो है, वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है, काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूँ तो यहाँ आपको फ्रंट का जो ग्रेडिंग है वो सेम ही देखने के लिए मिलने वाला है, लाइक ओल्ड टाइप में। और यहाँ देखेंगे ओला की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ देखेंगे आपको साइड जो टर्न इंडिकेटर्स जो होते हैं, वो जो प्लेसिंग है वो सेम ही रखी गई है, कुछ अलग चेंजेस नहीं किए गए हैं। फ़र्क यहाँ पर ये है कि यहाँ आपको अब आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो डुअल मिलते हैं। पहले आपको यहाँ एक सिंगल सस्पेंशन देखने को मिलता था, जो लाइक थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल भी लगता था, या फिर थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता था। अभी मैं बात करूँ इसके टायर की, तो यहाँ आपको फ्रंट में स्टील व्हील के साथ 12 इंच का व्हील देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर, 90x90 का फ्रंट का टायर देखने मिलेगा, और व्हील जो होगा वो स्टील होगा। और हालांकि इसके अंदर फ्रंट में आपको ओनली ड्रम ब्रेक देखने को मिलता था, अगर बात करूं मैं जनरेशन 2 की, तो जनरेशन 2 में आपको डिस्क देखने के लिए मिलता है, और ये आपको CBS के साथ में ब्रेकिंग सिस्टम के साथ देखने मिलेगा, लाइक पीछे का और आगे का एक साथ भी वर्किंग होते हैं, 60-40% वाला हिसाब होता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम उसे बोलते हैं। अभी मैं चलता हूं थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल अगर दिखा दूं, कुछ इस तरीके की निकल के आती है। यहां आपको स्पेस जो है काफ़ी अच्छा मिल जाता है रखने के लिए सामान, या फिर सिलेंडर वगैरह इजीली आप इस पर ले जा सकते हैं। एक बढ़िया चीज़ लगी जो कि है इसका पार्टी वेयर फीचर। यहाँ आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने इजीली गाने वगैरह चला सकते हैं, और किसी भी तरीके के अच्छे अच्छे गाने चला के, लाइक आपको रोड पे भी चल सकते हैं, या फिर आप इसको कहीं खड़े करके एंजॉय भी कर सकते हैं गाने के साथ। अभी मैं बात करूँ थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ आपको पहले जो मिलता था ओला के मॉडल्स में, अगर मैं बात करूं तो उनसे कंपेयर में यहां आपको सिंगल स्विंग आर्म देखने मिलता था और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता था, बट इसके अंदर आपको डुअल सस्पेंशन देखने मिलता है, स्प्रिंग लोडेड, और जो स्विंग आर्म है वो डुअल देखने के लिए मिलने लगा है, और जो कि काफ़ी अच्छी ग्रेडिंग और काफ़ी अच्छी क्वालिटी और डिज़ाइनिंग के साथ है। और मोटर इसमें रियर व्हील पिटेड मोटर ही देखने के लिए मिलती है। और टायर की अगर बात करूं तो फ्रंट का सेम आपको पीछे भी 90x90 का 12 इंच का एक टायर देखने मिल जाता है, टायर जो होगा वो ट्यूबलेस होगा। और यहाँ देखेंगे आपको प्लेसमेंट जो है फुट रेस्ट की, ये सेम ही आएगी और थोड़ी सी अच्छी निकल के आती है, क्वालिटी ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी है। अभी हम टेल लुक की तरफ, टेल डिज़ाइन की तरफ चलें, तो टेल लुक टेल डिज़ाइन दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले आपको चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ मिलता है, यहाँ देखेंगे आप इजीली यहाँ पर अपने चार्जर को कनेक्ट करके इसे चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चलें, ये जो है इसकी टेल लाइट है, टेल लाइट तो काफ़ी बढ़िया है, सेम इसी के अंदर आपको टेल लाइट के अंदर ही जो इंडिकेटर्स होते हैं वो टेल लाइट के अंदर ही मिलेंगे। बाकी थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, साइड में आपको रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। रियर लुक जो है वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है, टायर साइज टायर लुक काफ़ी अच्छा निकल के आता है। अभी मैं बात करूँ ऊपर थोड़ी सी इसकी ग्रैब हैंडल की, तो ग्रैब हैंडल पहले जो था थोड़ा सा कम में आता था, लाइक डुअल में होता था, और यहाँ पार्ट दिया गया था, बट ये जो ग्रैब हैंडल है वो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा निकल के आया है, काफ़ी मजबूत पाइप यूज़ किया गया है, काफ़ी बढ़िया पाइप यूज़ किया गया है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी सीट की, तो यहाँ सीट जो है आपको काफ़ी अच्छी सीट मिलती है, कुशन काफ़ी अच्छा निकल के आता है, काफ़ी बढ़िया निकल के आता है, और काफ़ी बढ़िया चीज़ निकल के आती है, 2 से 3 लोग इजीली इस पे कंफर्टेबल हो जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं कहते कि आप एक साथ 3 लोग बैठ के चलें, बट हाँ 3 लोग इजीली इस पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी आ जाते हैं हम इसके मीटर पे, तो मीटर जो है यहाँ आपको एक 7 इंच की फुल टच के साथ ये आएगी, और पहले मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ईज़िली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं ओपन करने के लिए इस बटन को, और यहाँ पर आप पासवर्ड डाल के
डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक अगर जो सीट कैपेसिटी उठा सकें तो यहाँ से आपको टोटल 34 लीटर की कैपेसिटी देखने मिल जाती है बूट स्पेस में, जिसके अंदर आपको हेलमेट और यहाँ चार्जर वगैरह स्पेस मिल जाता है। और आप अपना चार्जर इजीली साथ में कैरी करके और हेलमेट भी साथ में कैरी करके लेके चल सकते हैं। अभी आ जाते हैं हम इसके मीटर में। यहाँ आप सारे मोड्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टोटल 3 मोड्स मिलेंगे, जिसमें आपको पहला स्पोर्ट, दूसरा नॉर्मल, तीसरा इको, मतलब टोटल 3 मोड्स देखने मिलेंगे, जिसमें पावर रेंज भी अलग अलग मोड्स में होगी। और इसके अंदर आपको टोटल प्रॉपर एक गूगल मैप सेटअप मिलेगा और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ, मोबाइल ऐप के साथ आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं बात करूं इसकी रेंज और इसकी स्पीड की। अगर मैं स्पीड की अगर बात करूं तो इसमें आपको टोटल जो टॉप स्पीड है अराउंड 90 की टॉप स्पीड प्रोवाइड होती है। और यहां पर आपको कंपनी क्लेम 151 किलोमीटर टॉप रेंज देखने के लिए मिल जाती है। आप फुल चार्ज होने के बाद इसको 151 किलो चला सकते हैं, कंपनी क्लेम। हालांकि टोटल जो रियल अगर रेंज की बात मानूं तो 140 रियल रेंज की अगर बात करिए तो 140 रेंज आप टोटल कैपेसिटी कर सकते हैं। और यहाँ मोटर की बात करूँ तो 3 किलोवाट आर मोटर आपको देखने के लिए मिल जाती है। पावर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकल के आती है। और अभी आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग पे तो यहाँ पर प्राइस जो है वो 119,000 एक्स शोरूम देखने के लिए मिलता है। 119,900 में आपको ये एक्स शोरूम देखने मिलेगा, जो कि ऑन रोड आते आते अराउंड 130,000 से 132,000 हो जाएगा। काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में ये निकल के आता है ये स्कूटर। बाकी का अगर मैंने स्कूटर से रिलेटेड कुछ मिस किया है हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें।